अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उनस तो रिएक्शंस। फ्रेंड्स, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है विद्युत जामवाल ट्रिब्यूट टू सिद्धार्थ शुक्ला, आई लव यू शुक्ला। ये एक ट्रिब्यूट दिया है उनके एक बेस्ट फ्रेंड ने जो कि कमांडो मूवी के हीरो थे, और इनका नाम प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मुझे मुश्किल लग रही थी लेकिन मेरे ख्याल से मैंने ठीक ली है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करते हैं। अगर आपने होप सो आप लोगों ने ओरिजिनल वीडियो तो देख ही ली होगी, लेकिन हमारे साथ हमारा रिएक्शन देख लें। लेट्स स्टार्ट। लाइव पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णा की पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है ना, बहुत अच्छी बॉडी है। सो द लास्ट आई मेट सिद्धार्थ वॉज ऑन द 15th ऑफ जुलाई दिस ईयर। अच्छा, एंड सिद्धार्थ का था कि वो कभी भी फोन कर देता था कि हाँ विद्युत, व्हाट आर यू डूइंग, कुछ नहीं, आ रहा हूँ मैं। और हम दोनों का पिछले 15-20 सालों से यही रिश्ता था, बिकॉज मेरे ख्याल से बेस्ट फ्रेंड यही होते हैं जब आप प्लान नहीं बनाते हो ज्यादा मॉडलिंग में, और अचानक धमकी दे के पहुंच जाते हो। आई थिंक दैट्स द बेस्ट फ्रेंडशिप। सिद्धार्थ शुक्ला हैज बीन माय बेस्ट फ्रेंड बिकॉज आई हैव नेवर हैड अ फ्रेंड लाइक हिम। मेरा किसी के साथ भी ऐसा रिश्ता नहीं है या था जो शुक्ला के साथ था। So sad, यार। कोई प्लान नहीं था। मेरा वो फर्स्ट जिम पार्टनर था बॉम्बे में, और वो भी लाइफ का प्लान ऐसा था कि अंधेरी में एक जिम है जिसका नाम था साइक्स, मैं वहाँ गया था एंड आई सी दिस वेरी टॉल वेल ड्रेस्ड गाय इन अ जिम। ये 2004 की बात जिम है। फर्स्ट I remember telling him when he was last in my house कि तू इकलौता लड़का है जिसके बारे में मुझे याद है कि तूने पहले दिन क्या पहना था। नॉर्मली लोग लड़कियों का याद रखते हैं। उसने एक वाइट कलर की टी शर्ट पहनी थी, बेज ट्राउजर्स पहनी थी और शूज पहने हुए थे। एंड आई रिमेंबर दिस बिग गाय, उसके आंखों पे बाल गिर रहे होते थे। एंड आई थॉट वाओ हाउ गुड लुकिंग इज ही। देन आई वेंट टू माई कजन एंड आई आस्क्ड हिम ये कौन है यार। सो उसने बोला अरे ये तो शुक्ला है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। एंड उस दिन मैं उसको पहली बार मिला था। उस दिन से हम दोनों जिम पार्टनर बन गए। आई हैड सम ऑफ माई बेस्ट ट्रेनिंग सेशंस विद हिम। जब भी वो जिम आता था उसका एक मंत्र होता था, टू बी द मैन यू गॉट टू बीट द मैन। और हम लोग हर दिन यही बोलते थे। जब वो ज्यादा वेट उठाता था तो वो ये बोलता था, टू बी द मैन यू गॉट टू बीट द मैन। मैंने कमांडो 1/4 में कई स्टंट्स किए थे WWF WWE से इंस्पायर होके, और शुक्ला और मैं वो बहुत देखा करते थे। शुक्ला वॉज रियली अ हार्डकोर एक्शन फैन। वो मुझे इतने अलग अलग मूव्स दिखाता था। हम लोग जिम में होते थे और बोलता था अरे आज मैंने इसको देखा है, एंड आई यूज टू वॉच देम एंड आई यूज टू गो बैक एंड यूज टू ट्रेन एंड देन आई यूज टू सेंड हिम वीडियोज। बहुत ज्यादा इमोशनल होकर बात कर रहा है और वो हमें भी इमोशनल कर रहा है, शो इमोशनल कर रहा है, इसलिए मैंने स्टॉप कर दी कि थोड़ी जरा उस पर देख लेते हैं, क्योंकि वो बात कर रहा है तो उसके हाथ कांप रहे, तो नोट कर रहा है और वो उससे बात नहीं हो पा रही। वो मतलब शो कर रहा है कि मैं उससे बात करूं लेकिन हो नहीं पा रहा उससे। 2004 से वो कह रहा है मेरा फ्रेंड था, मुझे कभी किसी का नहीं याद रहा कि मैंने क्या पहना है फर्स्ट डे, मुझे उसका याद है। किसी को भी नहीं याद रहता मेरे ख्याल में, मतलब हमारी फ्रेंडशिप को इतना टाइम हो गया। वीडियो देखते हैं, मेरे से इंतजार नहीं हो रहा। जिम में कई बार ऐसा होता था कि हम लोग जिम करते थे, फिर हम दोनों उन दिनों मॉडलिंग कर रहे होते थे, इतने शो साथ में नहीं करते थे, बट जब भी शो साथ में करते थे हम लोग बहुत मजे करते थे। I remember after I quit modeling, मैंने फोर्स की, he was one of the few people who I had shown my Filmfare trophy to, because I knew कि वो बहुत खुश होगा और वो बहुत खुश होता था।
मैं बेस्ट फ्रेंड इसलिए बोलता हूँ कि आप एक ही इंडस्ट्री में हो और आपको पता है कि आपकी हर चीज देखी जा रही है आपके दोस्त से, और वो आपको हमेशा बताएगा कि तुमने क्या सही किया कि नहीं. शुक्ला यूज्ड टू ऑलवेज कॉल मी. आई रिमेंबर आई वेंट फॉर कमांडो 1. पहले दिन का शो था, मेरी फर्स्ट फिल्म थी एज अ हीरो. एंड शुक्ला को मैंने उस दिन थिएटर में देखा. ही डिडंट कॉल मी कि वो पिक्चर देखने जा रहा है, एंड वो अपनी मॉम के साथ था. आई रिमेंबर वॉकिंग इन टू द थिएटर एंड आई सॉ मॉम, एंड मैं आंटी को देख के बहुत इम्प्रेस हो गया था. मैं आंटी के पाँव छुए और आंटी ने कहा, विद्युत सिद्धार्थ ने इतनी जिद की है कि मुझे आज फर्स्ट डे देखनी है फिल्म. और मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि वो फिल्म देख रहा है नहीं देख रहा है. आई वॉज जंपिंग फ्रॉम वन थिएटर टू अनदर. सो शुक्ला इस तरह की चीज़ें करता था. वो ये नहीं बोलता था अरे मुझे प्रीमियर पे बुलाओ, इनवाइट करो. उसका कोई सीन ही नहीं था. हिज मम, शी इज बीन रेज्ड बाय विमेन. और मैं बहुत बार बोलता हूँ कि अगर आपको विमेन ने रेज किया है, आप थोड़े अलग तरह के मर्द होते हैं. सही. आई थिंक ही इज बीन रेज्ड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग 3 विमेन, हिज मदर, हिज सिस्टर्स. और मुझे लगता है कि असली मर्द विमेन ही रेस कर सकती हैं. मैं उसको असली मर्द इसलिए बोलता हूँ कि जब भी मैं उसका जिक्र करता हूँ, आज पहले उससे पहले, मैं हमेशा बोलता था कि मर्द तो ऐसा ही होता है. वो तो बहुत इज्जत करता था सबकी, बच्चों की, वॉचमैन की, सबकी. मतलब जिम में ऐसा कोई आदमी नहीं था जो शुक्ला से डरता नहीं था, और ऐसा कोई आदमी नहीं था जो शुक्ला को बहुत प्यार नहीं करता था. So I remember going to his house, and उसकी mom बहुत amazing है, क्योंकि वो हमेशा बोलती थी कि अरे विद्युत तुम्हें मैं घर का खाना खिलाऊंगी. शुक्ला हमेशा से बचपन से ही अपने घर में रहता था. हम लोग बॉम्बे के बाहर से आए थे, सो किसी के घर में जाके खाना खाना बहुत बड़ी बात होती थी. हाउस होम मेड फूड. सो आंटी यूज़ टू ऑलवेज कुक एवरी टाइम आई वेंट, क्योंकि मैं जम्मू से हूँ, वो मेरे लिए राजमा चावल बनाते. एंड वाई आई वॉन्ट टू बी हेयर टूडे इज बिकॉज व्हेन आई मेट शुक्ला द लास्ट 15th ऑफ जुलाई, उसने मुझे रैंडमली फ़ोन किया था कि विद्युत क्या कर रहा है, और मैं घर पे था. मैंने कहा आ जा. हर बार की तरह वो एक डेढ़ घंटे में आ गया था. एंड आई स्पेंड अबाउट 3-3.5 hours विद हिम, जस्ट हिम एंड आई. सो जो मेरे गेट पे पहुंचा, उसने बोला अरे यार बहुत मीडिया आई हुई थी. आई वाज लाइक मैंने नहीं बुलाई. सो ही सेड मैंने भी नहीं बुलाई. सो आई रिमेंबर इन द कॉन्वर्सेशन ही टोल्ड मी दैट ये जो पैप कल्चर है विद्युत. I asked him what is one of your biggest highs जो बाकी किसी एक्टर को नहीं होता है. एंड ही सेड विद्युत ये जो पैप कल्चर है ना, यहाँ पे एक्टर्स फोन करते हैं उनको कि आज मैं जिम जा रहा हूँ या आज मैं जिम से निकलने वाला हूँ, तो आप आइएगा पिक्चर खींचने. सिद्धार्थ शुक्ला इज द ओनली एक्टर दैट आई नो ऑफ, यू कैन आस्क द मीडिया, ही इज नेवर कॉल्ड पीपल अप. उसको मीडिया पसंद करती थी. वो पैप्स की बहुत इज्जत करता था. आके वो दे यूज़ टू क्लिक पिक्चर्स, ही यूज़ टू रियली बी वेरी ग्रेशियस विद देम. एंड वो शुक्ला का प्यार था. एंड आई रिमेंबर उसकी, जब मेरे घर से भी बाहर निकला था, उसके पीछे बाइक्स पड़ी रहती थी कि उसकी फोटो खिंच जाए, फोटो खिंच जाए. ही हिम एंड आई हैड अ चैट एंड आई आस्क्ड, सो वी बोथ स्टार्टेड टुगेदर एंड वी बोथ डिड वेल इन आवर लाइव्स. हिम ऑफ कोर्स बेटर, ही हैज मोर लव देन एनीबॉडी एल्स आई नो. एंड आई रिमेंबर वी हैड अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशंस अबाउट हाउ अमेजिंग इट इज टू बी वेयर वी आर. So I want to tell everybody who loves Siddharth. Those few hours, I don't think usne ek bhi aisi baat boli thi jisme wo kabhi na bole ki he's on the biggest high of his life. He just didn't have time for himself, but every time he woke up, he had people surrounding him. He had always everybody around him, and he was always very nice. Har banda tareef karta hai. Uska ek aur kisa hai. Yaad main pehli baar bata raha hu. So, जब हम मॉडलिंग कर रहे थे, so, उसने एक हायाबूसा बाइक खरीदी थी वाइट कलर की. एंड वो इतना अच्छा दोस्त था मेरा, मैं उसको बोलता था यार आज मुझे इससे मिलने जाना है. से ठीक तो मुझे बोलता था अपने घर से बाइक उठा लिया. यूज़ टू गो होम, आंटी यूज़ टू गिव मी द हेलमेट एवरीथिंग, एंड आई यूज़ टू टेक हिज बाइक फॉर सो मेनी राइड्स. मैं शूट पे ले जाता था, किसी को नहीं पता था कि वो बाइक मेरी नहीं. मेरी जितनी दोस्त थी जिनको मैं बाइक राइड पर ले जाता था, उनको लगता था वो मेरी बाइक है. It was my bike, and very few people knew the fact that it was Shukla's. जो उसको जानते थे वो जानते थे, बहुत कम लोग जानते थे. मैंने समझ जैसे say thank you Shukla. Though I said it to you when I met you, but thank you. It's been amazing. तुमने मुझे आदत दिलाई बहुत अच्छी-अच्छी bikes पे बैठने की.
Another thing I want to share about Siddharth Shukla, the मर्द. मैं हमेशा बोलता हूँ मर्द है. मैं उसको इतने सालों से जानता हूँ और जैसे हम लड़के आपस में बात करते हैं कि अरे वो कौन है, उसके साथ क्या हो रहा है तुम्हारा, अबाउट दिस गर्ल, अरे मैंने सुना है तुम्हें बहुत पसंद करती है. सिद्धार्थ शुक्ला इज द ओनली मैन आई नो इन माई लाइफ, और जो जो सिद्धार्थ को पर्सनली जानते हैं वो ज़रूर बताएंगे, वो कभी भी किसी लड़की का नाम जिक्र नहीं करता था. अगर उससे पूछ लिया जाए कि ये है क्या सीन है भाई, व्हाट्स हैपनिंग, नॉर्मली लोग होते हैं बोलते हैं अरे वी आर जस्ट फ्रेंड्स, जो नहीं बताना चाहते. सिद्धार्थ शुक्ला इग्नोर करता, वो देखता था और मुंह फेर लेता था. I've never heard him ever mention any woman's name, and I think that is a great quality of a man. I've never heard him mention. ये मैं बहुत जरूरी चाहता था कि हर आदमी जाने कि शुक्ला ऐसा है. मैं किसी को नहीं जानता था. हकीकत. शुक्ला was very good with one word answers. Wit, अंग्रेजी हो या हिंदी. जब वो लास्ट मेरे घर आया था, आई रिमेंबर ही शोड मी वन ऑफ हिज फैन मेड वीडियोस विच हैड गॉन वायरल, जहाँ पे उसका वन विट जवाब है बिग बॉस 13 में. उसने बहुत जवाब दिए लोगों को. आई रिमेंबर ही वाज सो प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट ही वाज विटी. ही उसको पता था कि वो इंटेलिजेंट है और वो उसका पूरा इस्तेमाल करता था. वन ऑफ द फ्यू पीपल आई नो हु कुड स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल, कुड गिव आंसर्स बेटर देन एनीबडी एल्स. सिद्धार्थ शुक्ला को हराना बहुत मुश्किल होता था. एक दिन मुझे रात को शुक्ला का 12:30 के करीब फोन आया और शुक्ला के लिए मिले एक अलग टेलीफोन रिंग होती थी. And I remember he was screaming on the phone, "Keep it out! La 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 la! तुझे पता है? नॉक नॉक तेरा बाप आया, ये मेरा गाना है." So मैंने कहा हाँ तेरा गाना, ये मेरा गाना है. सही से नहीं मेरा गाना है, मुझे तो आज पता लगा ये तेरा गाना है, मैं कब से सुन रहा हूँ, लोग मेरे बारे में डेडिकेट करते हैं. And then he showed me that night so many videos जहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला जी एंट्री करते हैं स्लो मोशन में और वो गाना बजता है नॉक नॉक तेरा बाप आया. और उसने मुझसे आर्ग्यू किया कि वो गाना उसका है. सिद्धार्थ शुक्ला, नॉक नॉक तेरा बाप आया तेरा ही गाना है भाई. It suits you the best and the most. Nobody can carry it off as well as you do. I've seen kids crazy about him. I've seen men crazy about him in the gym because वो बहुत तगड़ा था. वो normal आदमी से ज़्यादा weight उठाता था. Natural strength थी उसमें. Women loved him. He was a hot guy. Well spoken, well bred, very well raised by women. ही लाइक एक इंसिडेंट है, मेरी मॉम को पता नहीं याद है कि नहीं. एक दिन मेरी मॉम आई हुई थी बॉम्बे और सिद्धार्थ शुक्ला एज सिद्धार्थ शुक्ला उसने 12:00 फ़ोन किया. हम लोग टीवी देख रहे थे रात को और शुक्ला ने बोला दीदी मैं आ रहा हूँ घर पे. सो मैंने कहा कितनी देर में आ रहा हूँ. सो कहता मैं बिल्डिंग के नीचे हूँ. सो ही केम एंड माई मॉम वॉज ऑन अ विजिट एंड ही केम टू द हाउस एंड ही सेड मम्मी कहें. सो मैंने अपनी मॉम से पूछा था, मैंने कहा मैं सिड आ रहा हूँ उससे प्लीज़ मिल लीजिए. सो माय मॉम वाज इन हर नाइट क्लोथ्स और जैसे हर मदर होती है वो चाहती है कि मैं सबसे सुंदर दिखूँ जब मिलूँ अपने बेटे के दोस्तों से. सो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं आज नहीं मिलूँगी, बहुत लेट होगी, उसको बोल देना मैं सो गई. और मेरी मॉम मूवी देख रही था, कुछ देख रही थी टीवी पे. सो सिद्धार्थ कम्स इनटू द हाउस एंड ही सेड आंटी कहाँ. सो आई सेड आंटी यार सो रही हैं अंदर रूम में. उसने मेरे देखा भी नहीं, सीधा बेडरूम की तरफ गया, दरवाज़ा खोला. माय मॉम वाज विद द रिमोट वॉचिंग टीवी. And she stopped and Shukla went running. उन्होंने उसने उनके पहुँच हुए और मेरी मम पहले तो 2-3 मिनट तक बहुत नर्वस थी बिकॉज यू नो वुमेन आर. बट शुक्ला ने पहुँच हुए गले मिला. माई मम वॉज awestruck by him. The niceness. निडर आदमी था, कोई डर उसको कोई डर नहीं था. जब मैं मर्द बोलता हूँ ना सो उसको ये नहीं था कि तुम लंबे हो चौड़े हो अमीर हो गरीब हो होशियार हो ये वो, अगर तुम गलत हो तो मैं तुमसे लड़ूंगा. एंड बिग बॉस में भी उसने वही किया था. आई वाज इन उज़्बेकिस्तान एंड आई यूज टू बी गेटिंग क्लिप्स ऑफ हिज और मैं हंसता था क्योंकि वो निडर था और ऑनेस्ट था. जो वो सोचता था वो बोलता था और उसको जो दिखता था वो दिखाता था. दैट्स वन क्वालिटी लाइक आई से आई डोंट नो एनी ह्यूमन बीइंग दैट पोजेसेस दैट क्वालिटी. आई हैवंट मेट हिम, आई हैवंट मेट एनीबॉडी. सो आई
आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ फ्रेंड लाइक आई कैन टॉक अबाउट ऑल माय लाइफ विद ग्रेट प्राइड. क्या मर्द आदमी है. मैंने शुक्ला को बहुत यूज़ किया है बहुत. मैं कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जाता था और कोई भी आदमी मिलता था जैसे रमेश शुक्ला या प्रीति शुक्ला, सो मैं जल्दी से उसका नाम ड्रॉप कर देता. अरे शुक्ला, यू नो सिद्धार्थ शुक्ला, इज माई फ्रेंड. मैंने बहुत नाम ड्रॉप किया और उसको मैं बताता था कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई शुक्ला नहीं है जिसको मैं नहीं मिला हूँ. उसको मैं बोला नहीं कि सिद्धार्थ शुक्ला मेरा दोस्त है गर्व से. आई यूज टू शो ऑफ, आई यूज टू बी प्राउड टू टेल द वर्ल्ड दैट ही इज माई फ्रेंड, लाइक वेरी प्राउड, वेरी प्राउड. आई वॉन्ट टू टेल आंटी, इस बार जब मैं गया था आंटी से बात करने की तो हिम्मत नहीं थी, क्या बोले आदमी. बट आंटी जब मैं वहां पे था उसके साथ मेरे घर पे, मुझे कॉम्प्लेक्स हो गया था कि वो आपको ज्यादा प्यार करता है एज कम्पेयर टू मैं अपनी माँ को करता हूँ. मतलब कमाल है यार, मुझे लगता था बेस्ट सन है, बट देन आई मेट सिद्धार्थ शुक्ला दैट नाइट. शर्म आ गई थी मुझे कि वेरी हैप्पी. जो जो वो चाहता था उसने किया. मैं उसको मॉडलिंग दिनों से जानता हूँ, जिम से जानता हूँ. उसने सब कुछ किया, सब कुछ. सक्सेसफुल, वेल मेंटेन्ड, वेल स्पोकन लीडर. जो जो वो चाहता था, जितनी स्टारडम उसको चाहिए थी उसने अचीव की है. जितना वो लोगों को बिना ट्राई किए कि मुझे प्यार करें. कई लोग चाहते हैं कि लाइक दे विल चार्म यू, दे विल डू थिंग्स सो दैट यू फॉल इन लव विद देम. सिद्धार्थ शुक्ला नहीं, सिद्धार्थ शुक्ला वाज हिमसेल्फ. He always spoke about the fact that यार आदमी जब बहुत बड़ा स्टार बन जाता है उसके बाद लोग आपके पास क्यों आते हैं बोलने के लिए कि अरे आई वांट टू वर्क विद यू, अरे क्या कमाल हुआ. वो लोग जो आपको शुरू में ही पहचान जाते हैं कि यार इसमें पोटेंशियल है, वी बिलीव इन हिम, आई बिलीव इन हिम. सिद्धार्थ शुक्ला फैंस, एवरीबडी हु लव्स हिम, दूरदर्शी हो आप लोग. आपको पता था और आपको पता है कि क्या पोटेंशियल है आदमी. That's up to you. Definitely, यार. आप वो लोग नहीं हो जो उसके जाने के बाद बोल रहे हैं कि अरे क्या आदमी था, क्या आदमी था. आप लोग वो लोग हैं जिसके बारे में उसको पता था. He represented you guys very well. हमेशा उसको ध्यान रहता था. जब लास्ट मेरे घर आया था हमने पिक्चर नहीं खिंचाई थी क्योंकि हम दोनों का कॉमन ये था यार, जिसके पास भी जाते हैं उनको सिर्फ पिक्चर चाहिए, कोई बैठ के बात नहीं करना चाहता तुमसे. पॉइंट्स जितने थे दिमाग में वो तो हैं, बता दिया. एवरीबडी शुड सेलिब्रेट हिज लाइफ बिफोर एंड आफ्टर. बहुत सही है, लाइक अनबिलीवेबल, अमेजिंग. सो गाइज, यू गाइज हैव बीन अमेजिंग, आई लव यू. सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ से यार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मैं पहली बार किसी क्रीमेशन पे गया हूँ जहाँ पे मुझे लगा कि भगवान क्रीमेट हो रहे हैं. दिस गॉड लाइंग देयर, देयर वर पीपल फोल्डेड हैंड्स सिंसियरली. आई फेल वेरी प्राउड ऑफ यू सिद्धार्थ शुक्ला. कमाल किया तुमने यार, गर्व से कह सकता हूँ कि आई लव यू. तुम्हारे लिए गाना बजाऊंगा. वीडियो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था. मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि यार इसके अलावा कोई डिज़र्व नहीं करता था बिग बॉस. मतलब जितनी चीज़ें इसने बताई हमें, इस सिद्धार्थ के अलावा कोई बंदा मुझे नहीं लगता, मैंने देखे नहीं है, लेकिन जितनी पॉजिटिविटी इसने सिद्धार्थ के बारे में बताई है कोई डिजर्व नहीं करता होगा. आई एम श्योर कि कोई डिजर्व नहीं. लोगों ने इतना प्यार दिया है उसको, इतना प्यार दिया है उसको, अब देखे बगैर ही मैं कह सकता हूँ. जिस तरह ये पूरी वीडियो में इमोशनल हो रहा था ना, कई जगहों पे ऐसे हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे आंखों में आंसू आ गए, मुझे ऐसे फील हो रहा था कि यार, जैसे इसने कहा कि यार मुझे एक जगह पे जाके इसकी मॉम को मैं नहीं फेस नहीं कर पा रहा था. बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ये टाइम. मुझे इसके लिए भी दुख हो रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड, इतना पुराना रिश्ता, बेस्ट फ्रेंड खोया, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड इसने खोया है. और मतलब इसकी फैमिली मेरे पास यही हो सकता है कि, लेकिन बहुत बड़ा लॉस है भाई, बहुत बड़ा लॉस है इंडिया.
इंडिया के लिए, मतलब सब उसके चाहने वालों के लिए बहुत बड़ा लॉस है। मैंने बहुत कम लोगों के बारे में ऐसा सुना है कि जो हर बंदा ही उसकी तारीफ कर रहा हो, जैसे इसने तारीफ की, ऐसे जिसके मुंह से भी सुन रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि यार वो एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बहुत अच्छा इंसान था, बहुत ही ज़्यादा वो हर एक के साथ ताल्लुक उसका बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था, अपने काम के साथ सिंसियर था और बहुत ज़्यादा उसने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा था और लोगों ने, पूरे इंडिया ने उसको बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया उसको। बड़े बड़े एक्टर्स वो यही कह रहे हैं कि जैसे निकलते हैं जिम के लिए, कहीं भी बाहर निकलते हैं तो फ़ोन करते हैं कि हम जा रहे हैं, फोटोज ले लो, ये कर लो, लेकिन इसने कभी फ़ोन नहीं किया। मीडिया इसके लिए आता था और फोटोज लेता था, लेकिन ये है कि कमाल की पर्सनैलिटी थी बहुत ज़्यादा। सो गाइस, ये था हम लोगों का रिएक्शन। अगर आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन करके बटन को दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपके पास आ जाया करे। और गाइस, अगर इस तरह की कोई और वीडियो हो सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में तो प्लीज़ हम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग उस पर रिएक्ट कर सकें। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।